अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत आजादी की तहरीक को दहशतगर्दी का नाम दे रहा है। 9 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में पाकिस्तान 500 दहशतगर्द कैसे भेज सकता है। मोदी इल्जामात से दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर से हटाना चाहता है। वजीर आजम की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। श्रीनगर भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए घर की तलाशी की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 15 अगस्त से मुकम्मल लॉकडाउन कर रखा है, जिसके बाद वादी में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक खुदरादियत दिलाए। वजीर आजम इमरान खान का जनरल असेंबली से खताब। कहा कश्मीर की सूरत हाल 2 एटमी ताकतों में जंग शुरू करा सकती है। अगर जंग हुई तो एटमी होगी और पाकिस्तान आखिरी हद तक जाएगा। न्यूयॉर्क में भारतीय वजीर आजम मोदी के खिलाफ बड़ा एहतजाज। अमरीका भर से पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के 20,000 से जायद अफराद ने शिरकत की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी मुजाहरे में पहुंच गए। कहा जनरल असेंबली में कश्मीर का मुकदमा पेश करने पर भारत के होश उड़ गए। चीन एक बार फिर पाकिस्तान का हम आवाज। अक़वामे मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर 2 टॉक मौकफ। चीनी वजीर खारजा ने जनरल असेंबली से खिताब में कहा कश्मीर तारीखी तनाजा है। मसले का हल अक़वामे मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक होना चाहिए। चीन सूरत हाल को पेचीदा बनाने वाले यकतरफा इकदामात के खिलाफ है। आईजी पंजाब आरिफ नवाज की खसूसी हदायत पर भक्कर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात फिरोशों से सैकड़ों लीटर शराब की बोतलें बरामद कर ली। गुज़श्ता रोज डीपीओ भक्कर की मुनक्किद करदा क्राइम मीटिंग में पुलिस अफसरान को सख्ती से हदायत की गई कि मंशियात फिरोशों के गिर्द घेरा तंग किया जाए। इस जमन में भक्कर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। डस्का मोहल्ला रहमतपुरा के रिहायशी साबिर मेहर और लुकमान नामी 2 नौजवानों ने मोबाइल गुम होने का बहाना बनाकर 2 सगे भाइयों जुहेब और बूटा को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। मुल्जिमान मौका से फरार, जबकि जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसएसडी धाम मंदिर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि साजिश के तहत मुराद अली शाह की किरदार कशी की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग केस बनाकर कोर्ट में कामयाब नहीं हो सकते। कहा कि कठपुतली हुकूमत बहाने बनाकर सिंध हुकूमत पर हमला करने की कोशिश कर रही है। ये चाहते हैं कि सिंध पर हमला करके यहां भी कठपुतली हुकूमत बनाई जाए। सिंध की आवाम सिंध पर कब्जा नहीं करने देगी। तहफ़ुज़ ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस कोट जिया खान जिला सोहबतपुर में मुनाकिद हुई, जिसमें खालिद महमूद सोमरो और अब्दुल वासे ने खताब किया। अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मौलाना अब्दुल वासे ने कहा कि अगर साफ इलेक्शन हो तो कोई शक नहीं कि 50% लोग जमीयत उलमा इस्लामी को ही वोट देंगे। डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो ने कहा कि हम इन हुक्मरानों को नहीं मानते, हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए और दुनिया में इस्लामी निज़ाम लाएंगे। ओस्ता मोहम्मद बीएसओ पुजार ओस्ता मोहम्मद जोन के जेर एहतमाम गुज़श्ता रोज पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोचिस्तान के तालिब इल्मों पर इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से तशद्दुद के खिलाफ गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज से पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ जगहों से होती हुई यूबीएल चौक में जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस मौका पर बीएसओ पुजार के मरकजी चेयरमैन वाजा हमीद बलोच ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने सहाफियों से बातचीत की। डीपीओ चेन्योर सैयद हुसैन हैदर की हदायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 मुलजिमान गिरफ्तार कर दिए, जिनके कब्जे से नाजायज असला भारी मिकदार में मंशियात बरामद। कार्रवाई मुख्तलिफ थानों में की गई। 10 मुलजिमान से 6 किलो से जायद चर्स, 147 लीटर शराब बरामद। 4 मुलजिमान से नाजायज असला, 3 पिस्टल, 1 बंदूक बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
انصاف صحت کارڈ کا پسرور میں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر فاروق نے افتتاح کر دیا جس میں پسرور بھر کے 42,000 خاندانوں میں انصاف کارڈ تقسیم کیے جائیں گے. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمر فاروق نے کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق آئندہ 2 برسوں کے دوران 1.5 کروڑ سے زائد خاندانوں میں کارڈ تقسیم کیے جائیں گے. حکومت کے اس اہم کارنامے سے مستحق افراد 7,20,000 روپے تک کا علاج فری کرا سکیں گے. راجہ محمود احمد سپرنٹینڈنٹ سرگودا فیسکو کی عیسیٰ خیل میں کھلی کچہری. ان کے ہمراہ ایکس سی این احسان الحق، وائس چیئرمین بلدیہ عیسیٰ خیل زبیر خان اور ایس ڈی او عیسیٰ خیل حامد خان بھی موجود تھے. کھلی کچہری میں تحصیل عیسیٰ خیل بھر کے شہریوں نے شرکت کی. واردہ تنصیبات، بجلی کے بلوں اور نئے ٹیوب ویل کنیکشن کے بارے میں مسائل پیش کیے گئے. ایس ڈی او فیسکو سرگودا ڈویژن نے موقع پر مسائل حل کیے اور ہر 2-3 ماہ بعد ایسی کھلی کچہری ڈویژن بھر میں لگانے کا اعلان کیا. عیسیٰ خیل کے شہریوں نے ایس ڈی او عیسیٰ خیل حامد خان کی فرض شناسی اور ایمانداری کی تعریف کی. نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز.